इसका किचन का मेन देखना है। किचन में भाई हम लोग को तो किचन में ज्यादा रहना पड़ता है ना। अभी का कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में तो लाजवाब होगा ही। डैडी आपको ज्यादा से भी खाना, एक हाँ। किलो लाइएगा, वो तोड़ते रहेंगे इसको। सगुन चलो, मैंने किराए के मकान देखने के लिए कितना एक्साइटेड रहती है। अपना घर खरीदने जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, दिन भर दौड़ेगी। किराए के मकान में इसको इतना एक्साइटेड है कि हाँ जाना है। माँ हम भी चलेंगे, घर देखना बहुत खरीदना नहीं आपको पसंद होता है, लेकिन फिलहाल देखने को तो देख लेते हैं। हाँ देखने चल रहे हैं, देखते हैं कि कैसा है क्या है। अगर सुटेबल होगा तो लिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिया जाएगा, वो लग ही जाता है। रगड़ते निकलती है। इनका लुक देखिए, अभी ऑरेंज लुंगी खरीदूंगा, समझे ना, ऑरेंज चप्पल जूता खरीदूंगा और उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बिल्कुल मैचिंग है डैडी। यहाँ ज्यादा लग रहा है गर्मी। देख लेते हैं कैसा है वो भी, अगर सुटेबल होगा तो लेंगे, नहीं तो फिर उसी में रहेंगे। अभी देखते हैं, ऐसे हटा देगा थोड़े। अच्छा अभी शीशा उसा नहीं लगा है, ये हो गया एक रूम, सर्वेंट रूम में ही वही है भाई, जो क्लिनिक सर्वेंट रूम नहीं बोलेंगे, क्लिनिक बोलेंगे। हाँ 2365 वाला ही थी है, उसी तरह है। अच्छा अभी वो सब भी नहीं लगा है ना किचन का। किचन हाँ, किचन तो बड़ा है, वो लंबा है, थोड़ा सा लंबा है। अच्छा वो लॉक हो गया है अंदर से। अच्छा ये अलमीरा अलमीरा भी तो काफी काम बाकी है, लेकिन ना हाँ काफी कहाँ, अच्छा हुआ ही नहीं है। रूम है ये, छोटा छोटा रूम है। हाँ हाँ हाँ, बन जाने के बाद लगता है बड़ा। ये मास्टर बेडरूम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सर्वेंट रूम नहीं, क्लिनिक है। अच्छा ये वाला रूम लॉक, हाँ शायद लॉक होगा, वो सामान वामान होगा उसमें। हाँ कोई नहीं, इसका किचन का मेन देखना है। किचन में भाई हम लोग को तो किचन में ज्यादा रहना पड़ता है ना। वो कैसा लगा सगुन? रॉ था, नहीं स्ट्रक्चर तो ठीक है, रॉ है तो समझ में नहीं आया, बना बनाया फिनिशिंग रहता है ना तो थोड़ा सा समझ में आता है, पता चल जाता है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है। चलिए ठीक है, देखते हैं और आगे और क्या। ये देख लीजिए, इधर चल रहा है और ये बैठी है मेरे गोद में, बस एक नजर है, देखिए एक नजर। कहाँ जा रहे हैं भाई? साधु पोती जा रहे हैं घूमने के लिए, चक्कर लगाने, मोबाइल लेकर के कहीं कोई कॉल आ गया तो कैसे ये कर लेंगे, है ना बेटा। हाँ ये देखिए लाड साहब बैठी हुई है दादू की गोद में, दादू के पेट पे मस्ती से बैठ के क्या देख रही है, टीवी देख रही है, न्यूज़ देख रही है, न्यूज़। एक्चुअल में आईफोन से वीडियो करने की आदत अब पड़ गई है, हालांकि कहते हैं ना कि अच्छी चीज की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है, और इससे कर रहे हैं ना तो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि पता नहीं कैसा ठीक बन रहा है कि नहीं। जबकि पहले मुझे ये पसंद, सोनी का जब कैमरा खरीदाया था तो हमें, जब बाबू का ये खरीदाया तो मुझे ये पसंद आने लगा था, वो कैमरा नहीं अच्छा लगा, वो कैमरा को तो मैं भूल ही गई हूँ एकदम। और अब इस कैमरा से कर रही हूँ, तो आज वो लोग गया है घूमने, अपने दोस्त से मिलने गया है, तो मैं सोची कि चलो मैं वो अपना उसको दे दी कि ले जाओ इसका ये मोबाइल, तो
लेके गया है वो, और मैं इस कैमरा से उसके कैमरा से कर रही हूँ। जा रही हूँ आज बकला का सब्जी बनाने। बकला आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि क्या कहा जाता है बकला। ये देखिए ये है बकला, बिहार में इसका सब्जी बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। प्याज आलू डाल के टमाटर डाल के सब्जी बनता है। जा रही हूँ ये बनाने, ये देने जा रही हूँ राजी को तोड़ने के लिए। लीजिए तोड़ दीजिए। तो मैं जब तक जा रही हूँ थोड़ा सा बिछावन कर लूँ। बिछावन वो चादर बिछाए हैं तो बहुत गर्मी लग रही है उससे, तो वो चादर जा रही हूँ चेंज करने। और मेरे इससे एकदम लग रहा है ना जैसे कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा है हमसे कैमरा से। नहीं फिर भी चले करे कोई बात नहीं। और ये चादर बिछाई हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रहा है इससे एकदम देख के। अभी ही ये हाल है, बाद में क्या होगा। अभी इतनी गर्मी है, बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि बाद में क्या होगा। इतनी जून जुलाई में क्या हाल होगा। घर चेंज करने के लिए थे लेकिन घर चेंज नहीं करेंगे, अभी नहीं कह सकते हम। मकान मालिक के मूड पे है, देख रहे हैं। अगर नहीं मानेगा वो तो फिर चेंज कर लेंगे, नहीं तो उम्मीद तो है कि अपने मकान में ही जाऊं। देखते हैं, भगवान जो चाहे वही होगा। अब चेंज करके मैं बताती हूँ आप लोग, दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये हो गया तैयार। अब मतलब मीन्स कि अब ठीक कर लिए। लाइट चादर काफ़ी अच्छा कूल लगता है। डार्क था एकदम, गर्मी लगती थी और मच्छर बैठ जाता था तो पता नहीं चलता था, इसलिए वाइट चादर बिछाए। हाँ बच्चे के घर में थोड़ा सा लाइट चादर जल्दी गंदा होगा, कोई बात नहीं चादर चेंज करते रहेंगे। लेकिन लाइट चादर से भी देखिए कि कितना अच्छा साफ रूम भी साफ लगेगा एकदम। अभी सब टेबल भी ठीक करना है हमें, सब कुछ करेंगे कल सब अब करेंगे। अब आज तो काफ़ी टाइम हो गया, खाना जा रही हूँ बनाने। वही चीज़ खाना बनाऊँगी मैं, बकले की सब्जी, बकले आलू और टमाटर की सब्जी और चावल। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये बड़ा सा कुशन क्यों यहाँ रखा जाता है। तो एक्चुअल में मेरे से बैठा नहीं जाता है तो इसको टेक लगा के मैं बैठती हूँ। और रिधि को तेल लगाना चाहे कुछ भी करना, छोटे ये का साइज का नीचे मतलब कि क्या बोलते हैं नीचे लेंथ वाला पलंग लूँगी, लेकिन अभी नहीं लूँगी, अपने मकान में ही लूँगी। क्योंकि ले जाना ले आना मैं बहुत किराए के मकान में कोई भी चीज़ खरीदिए तो सब खराब हो जाता है। ये भी देखिए कि पूरा टूट गया। अब अपने मकान में ही सब चेंज करेंगे, फर्नीचर जितना भी होगा सब, तो इसीलिए यहाँ पे गद्दा में रखती हूँ। एक्चुअल में मेरा इस किचन में मन नहीं लगता है, कितना भी साफ करो कितना भी कुछ करो लेकिन भसड़ लगा ही रहता है इस किचन में, इसलिए मन नहीं करता है करने को। और किचन के कारण मैं घर चेंज करना चाह रही हूँ। अमित का तो खैर है ही रीजन, लेकिन किचन मेन किचन के कारण, क्योंकि आप लोगों को कुछ बना नहीं सकती, बना के दिखा नहीं सकती। मतलब आप लोगों को बना नहीं सकती? नहीं मतलब? आप लोगों को नहीं सॉरी। अरे वो है फिसल जाता है। नहीं तो, नहीं बोला जाता है मतलब कि आप लोग को अब अरे यार सामान बना के नहीं दिखा सकती हूँ कुछ भी खाना का। एक से एक चीज अभी दिमाग में आया हुआ है, लेकिन इतना गर्मी लगता है और छोटा सा एकदम कुछ भी करो ना तो एकदम गजर मजर हो जाता है, तो मजा नहीं आता। ये पहला कि मैंने छोटा से छोटा सबसे बड़ा था किचन, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद इतना, पता नहीं अब कहाँ कितना होगा। अपना किचन तो खैर छोटा ही होगा, 2 BHK रहेगा तो छोटा ही रहेगा, फिर भी कोई बात नहीं देखेंगे, अपना अपना होता है। बकला सब छील के एकदम ये करके रख लिए, छील दिए ये सिन्हा जी मतलब कि आलू, ये अदरक है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची पाउडर सॉरी हल्दी पाउडर, गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और अदरक और ये जीरा। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे इसमें, जीरा डाल के फिर अदरक डाल देंगे। अब सबसे पहले मैं मसाला ही क्यों तैयार कर रही हूँ, मसाला इसलिए तैयार कर रही हूँ कि कुकर में बना रही हूँ। कढ़ाई भी खरीद के ले आए हैं, फ्राई पैन भी खरीद के ले आए हैं, लेकिन इसी उम्मीद में थे कि चलो नया घर में जाएंगे तो नए कढ़ाई नए सब कुछ से। और ये स्वाद 2 चम्मच लहसुन डालेंगे, इतनी गर्मी है कि बोलना कुछ बोला जाता है। अभी ये मार्च में ये हाल है। बकला की सब्जी तो हमारे बिहार के लोग सभी कोई बना ही होंगे। ये सरसों में भी बनता है और गरम मसाला में भी बनता है, मैं गरम मसाला में आज बना रही हूँ, सरसों में भी बता दूंगी आप लोग को। इसको
फ्राई जरूर कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, फ्राई नहीं कि इसका हरापन हटा देते हैं। तो ये लाल प्याज ज्यादा लाल नहीं किए हैं, अगर ज्यादा लाल करेंगे ना तो मिठापन प्याज का खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा लाल नहीं किए। और ये दो चम्मच लहसुन डाल दिए और ये सारे मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के, ये जल बहुत खतरनाक है, थोड़ा के बदले ज्यादा पड़ जाता है, कभी कभी धोखा हो जाता है। पीस के बनाते हैं और मतलब कि फ्राई करके हल्का सा और पीस लिए ग्राइंड करके मसाला बनाते हैं। और एक ये आज नए तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोग को कि सीटी लगा देंगे मसाले में, उसके बाद फिर भून देंगे, एकदम मेल्ट हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है, पीसने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा है मेरे जैसा, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा भूनना पड़ रहा है, पूरा भुनाएगा फिर आलू फ्राई करेंगे। बकला भून गया है और आलू भून रहे हैं, आलू भी हो गया है, अब ज्यादा फ्राई नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है। और ये मैं स्टीम लगाई थी, वो दो तीन से चार स्टीम हो के ये देखिए कि मसाले एकदम जैसे हम ग्राइंड करते हैं वैसे मसाले हो जाते हैं। अब इसको खूब फ्राई कर देंगे, जब तेल छोड़ देगा तो इसमें बकला और आलू डाल के टमाटर ये सब सब डाल के मैं फ्राई कर दी, ये कर दी हूँ, मसाले तैयार कर दी हूँ। अब इसमें बकला और आलू डाल के फिर भून के थोड़ा देर, मुश्किल से दो मिनट भून के फिर बंद कर देंगे, पैक कर देंगे, तो हो गई सब्जी तैयार। हाँ एक टिप्स और कि जब ये तैयार हो जाएगा सब्जी तब थोड़ा सा घी में हींग और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डालना चाहो तो डालो, नहीं तो हींग का तड़का जरूर डाल दो। बकला जो है सो बाईबादी वाली है, खराबी करता है, बहुत लोगों जिसको कि बाईबादी वाली बीमारी है, जिसको कि अरवी है, ये भिंडी ये सब सब चीज नहीं पचता है, तो वो ये खा सकते हैं, क्योंकि हींग डाल देंगे तो खा सकते हैं, तो हींग का तड़का जरूर डाल देंगे। ये चीज एकदम तेल छोड़ दिया है सब तरफ से, ये देखिए भुना गया, काफी अच्छा से भुन गया, तेल छोड़ दिया है एकदम किनारे किनारे तेल छोड़ दिया, तो बस इसमें पानी डाल के, पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, ये ज्यादा पंचोर टाइप से जो झोर वाली सब्जी नहीं अच्छी लगती, ये थोड़ा सा रुक रुक जो रहता है ग्रेवी वैसा अच्छा लगता है, इसमें ज्यादा झोर वोर नहीं अच्छा लगता है, जितना अभी है इतना ही होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और सीटी लगा दूंगी। बस तैयार सब्जी, चावल चढ़ा दिए हैं, अभी ले आया नहीं है लोग। सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में तो लाजवाब होगा ही, खा नहीं सकते, होना चाहिए, खा नहीं सकते क्योंकि मन से बनाया है। ये तो आपके साथ टेस्टी है कि जब आप मन से बनाती हैं तो वो टेस्टी नहीं होता है। अरे वाह बिट्टू, थाना था ला है? मेरे बाबू ने थाना खाया, ये एक्चुअल वाला है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया, कहती खाएंगे खा रही हूं। नहीं वो भी कर दिया है। सब्जी कैसी लगी देख ली क्या की? सब्जी कैसी लगी? कैसे लगी सब्जी? कैसे बहुत टेस्टी लगी। डैडी कैसे बैठे? नहीं इसीलिए आप देखिए कि हाँ डैडी आज सब्जी खाए, मांग करके लिया। जनरली डैडी सब्जी नहीं खाते रात में, इतना खाए होंगे ज्यादा, चावल भी खाए होंगे, बर्तन कुछ ना कुछ बचा था, ज्यादा नहीं खाए सब्जी, ज्यादा खाए हैं। चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जिसको ऐसे सब्जी खाना बैठे तोड़े, डैडी आपको ज्यादा सब्जी खाना, एक किलो लाइएगा वो तोड़ के रहेंगे। सुन लिए नहीं उसका थी, नहीं अभी ले आएंगे बकला ले आएंगे, जो जुआया हुआ होगा ना उसका जुआया हुआ पूरा कड़ा जो होता है थोड़ा सा उसको, उसका घुघनी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा डैडी चिलेगा कौन डैडी? ज़्यादा कर रही है मेरे साथ। नहीं आज डैडी किए हैं पूरा वीडियो किए हैं और प्याज काटे हैं, सब कुछ किए, काटे नहीं छील दिए, आलू सब छील दिए, बोकला सब कर दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद में की बना। बोकला को बैतल भी बोलते हैं। बैकल? बैताल। बैताल? अच्छा बैतल बोलते हैं बैताल। चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। यदि आप लोगों को हम लोगों का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल।
रिटायर कपल। अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं आप लोग को टाइम दिखा दूं। ये देखिए 11:30, 12 मिनट 11:30 बजे खाना खाती है। आज लेट हो गया है, गुल्ली गुल्ली को लेट हो गया। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।